हेलो क्लास, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 21 एनर्जी एंड फोर्सेस. आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? हु विल टेल दिस आंसर? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? सबसे ज्यादा सोर्स लाइट का कौन सा है अर्थ पे? ओके उत्कर्ष. Sun. Very good. The main source of heat and light on the earth is the sun. और उसके अलावा हमें कहाँ कहाँ से लाइट मिलती है और बताइए. बल्ब, कैंडल, टॉर्च, कैंडल, ये सारे जो सोर्सेस हैं वो लाइट के हैं, पर ये सारे आर्टिफिशियल लाइट हैं. वो सामने जो नेचुरल लाइट है. अब यूजेस ऑफ लाइट क्या होते हैं? हम लाइट का यूज करते हैं ना, अलग अलग कामों में करते हैं. रीडिंग, लाइटिंग, अवर हाउसहोल्ड. हमें किसी भी तरह का वर्क करना है तो हमें लाइट तो चाहिए ना. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, what are luminous object and non-luminous object? Rubal, tell me this. Luminous or non-luminous object? Rubal, beta, tell me this. What Dem can I speak? Rubal is not here. Okay, Riddhi Vama. मैम, व्हाट आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? आपको पता है? लक्षित्व, हु इज देयर, हु नोज दिस आंसर? ओके, किसको पता है? मैम क्या? व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? चलिए मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, आपको नहीं पता ना तो आप ध्यान से सुनिए. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी लाइट होती है. ऑब्जेक्ट दैट हैव लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट दैट डजंट हैव लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे देखिए यहाँ पे है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल दे रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए. yes, आपके लैम्प है, आपकी टॉर्च है, ये जो भी है ट्रैफिक साइन है, कैमरा है, ये सारे क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हाँ, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बताएं? मैम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर टेबल. हाँ, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट जिसकी लाइट नहीं है, पेन, पेंसिल, वो सारे नॉन ल्यूमिनस हैं. ठीक है. यस मैम. ओके, अब पता लग गया. मैम टॉर्च, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कर लेंगे ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके हर्षिता, हर्षित सॉरी लावण्या जैन, टेल मी व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? फिर से बताइए आप मेरे को. चलिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? मुझे प्रॉपर डेफिनेशन में बताओ. मैम आई टेल. ओके रूबल, टेल दिस. मैम लैम्प, बल्ब, कैंडल आर एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. आई एम नॉट आस्किंग द एग्जांपल्स, आई एम आस्किंग व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मैम ऑब्जेक्ट्स दैट हैव लाइट. दैट हैव लाइट. यस, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट हैव लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब यहां पे देखिए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर बुक, ग्लास, टेबल. वी कांट सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अनलेस लाइट फॉल्स ऑन देम.
अब यहाँ पे क्या बताया कि हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उसके ऊपर लाइट ना हो। अगर आप डार्क रूम में चले जाते हो, एकदम अंधेरे रूम में, आपको वहां पे पता लगेगा कि वहां पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं? Yes, no, ma'am. नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि वो सारे नॉन ल्यूमिनस उनमें लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। और अगर उसपे उस रूम में अगर हम लाइट ऑन कर देते हैं तो वो सारे हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नजर आने लगते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें नॉन ल्यूमिनस चीजें भी सारी नजर आती। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर। दिव्या, आई एम आस्किंग टू यू, लाइट्स ट्रेवल इन अ, दिव्या मैम, यस, लाइट्स ट्रेवल इन अ, मैम मैं क्लासेस अटेंड और आपने मैसेज भी नहीं लिखा कि 21 चैप्टर लर्न करना है। मैम कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक प्लीज, ओके कैन आई स्पीक रोमित, मैम कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक प्लीज, आंसर, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, यस, ओके, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, straight line. Utkarsh, tell me this. Yes. How is shadow formed? Shadow कैसे बनती है बेटा? How is shadow formed? Shadow is formed when an object blocks the path of light. Yes. Shadow is formed when an object blocks the path of light. अब light आ रही है, मैंने उसके अंदर अपना hand ही रख दिया, चाहे कोई भी चीज object रख दिया तो वो लाइट ब्लॉक हो गई ना, तो मेरे हैंड की शैडो बन जाएगी कहीं भी, जहां पे या टेबल पे, जहां पे भी मैंने उस पे रखा है तो वहां पे वो शैडो बन जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ, शायद आप लोगों ने लर्न नहीं करा होगा। When the shadow of the earth falls on the moon, we call it a lunar eclipse. Lunar eclipse. ठीक है? When the shadow of the earth falls on the moon, earth की shadow जब moon पे गिरती है, moon पे पड़ती है, that is called a lunar eclipse. Lunar eclipse. And when the shadow of the moon falls on the earth, and solar eclipse. Opposite हो जाता है, तो solar eclipse है। और अगर मून की शैडो, अर्थ की शैडो मून पे आ रही है तो वो लूनर एक्लिप्स है, और अगर मून की शैडो अर्थ पे आ रही है तो दैट इज कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये शैडो बन रही नजर आ रही है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट का पाथ ब्लॉक करता है तो वो क्या होता है, वहां पे क्या बन जाती है, शैडो फॉर्म। अब यहाँ पे आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। अब एक चीज और थी, हमने क्वेश्चन अराइज किया था, द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप लाइट ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में करते हैं ना, अगर आप किसी पाइप के थ्रू एक कैंडल दूसरी साइड में लिट करते हैं और उसमें से देखते हैं तो आपको कैंडल की लाइट नजर आएगी ना, और yes, अगर आप उस पाइप को yes, ma'am. आप उस पाइप को मोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको वो कैंडल की लाइट नजर आएगी? नो मैम, नो मैम, नहीं आएगी ना, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द साउंड मैम? यस गीतांजलि, व्हाट इज द साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। वेरी गुड, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट कॉज मूवमेंट इन द एयर पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स बम्प इनटू द पार्टिकल्स क्लोज टू देम व्हिच मेक्स देम वाइब्रेट टू। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करता है ना, तो आसपास के ऑब्जेक्ट के अंदर भी मूवमेंट शुरू हो जाती है जो उसके आसपास होते हैं, जिस वजह से हमें साउंड सुनता है। यस मैम। अब यहाँ पे देखिए, सोर्सेज ऑफ साउंड है, यहाँ पे एम्बुलेंस है, अलार्म है,
यहाँ पे आप कोई भी ड्रम या कोई भी जो प्लेइंग ऑब्जेक्ट है वो है, माइक है, एयरफोन है, यहाँ सबसे आपको साउंड सुनाई दे रहा है। अच्छा, आपको वाइब्रेशंस कैसे फील होंगी? अगर हम वाइब्रेशन फील करनी हो तो हमें कैसे पता लगता है? अगर हम एक रबर के को स्ट्रेच करेंगे और उसको वापस रिलीज करेंगे तो आपको लगेगा ना उसके अंदर मूवमेंट होती है ना। यस मैम। एक रबर को स्ट्रेच किया, फिर थोड़ा सा वापस साउंड उसको है। रिलीज किया तो वो एक शेक करने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इस तरह से वाइब्रेशंस होती है। ओके, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज अ फोर्स? मैम आई कॉल यस रूबल, व्हाट इज फोर्स? ग्रेनेड पुश इट और इधर पुल। यस, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस से मूव करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ती है ना, चाहे वो पुश के रूप में हो चाहे वो पुल के रूप में हो। मैम यस मैम यस नूतन, व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रहे हैं बेटा आप? मैम हमारे टेनिस की क्लास आ गई। ओके अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, इस पिक्चर को देख के यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फर्स्ट पिक्चर में देखिए मैम पुश पुश, मैम इन सेकेंड पिक्चर पुल 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 एंड इन दिस पिक्चर पुश पुश एंड इन दिस पुल पुश। यस, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हैं दैट इज द फोर्स ऑफ पुश, और जब हम पुश किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं दैट इज कॉल्ड पुल। पुल अब यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है ना, चाहे कोई भी आप छोटा से छोटा काम भी करेंगे आपको उस पे फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये जैसे कबर्ड है, इसको मूव करना है, इसको अपने प्लेस से हटाना है, तो आपको कौन सी यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी बताइए? पुश पुश। पुश और इससे भी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करनी है उसके लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी ना। यस मैम यस, पुश इसलिए हमें पुश पुश लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन मेक द थिंग्स स्पीड अप एंड चेंज डायरेक्शन। फोर्स क्या कर सकती है? चीजों को स्पीड अप कर सकती है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है। एंड इन अ गेम ऑफ क्रिकेट एज द बॉल इज हिट बाय अ बैट इट स्पीड अप एंड चेंजेस इट डायरेक्शन। जैसे क्रिकेट गेम में बॉल को हम हिट करते हैं ना, बॉल आया किसी डायरेक्शन में और उसको जिस डायरेक्शन में हिट किया गया उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। देखिए फोर्स है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फोर्स कैन ऑल्सो मेक थिंग्स स्लो डाउन और कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। अब फोर्स के हेल्प से हम चीज को, जैसे फास्ट मूविंग बॉल है उसको हम पकड़ लेंगे तो उसकी, उसको एक बार बीच में अब हम टच कर लेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, तो हम उसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं और थिंग्स को टर्न भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई क्ले है या डो है, किसी से भी आप कोई शेप दे रहे हैं तो आप फोर्स लगा के उसकी शेप को, उसकी चीज को, उस चीज को चेंज कर सकते हैं। मैम यहाँ पे उन्होंने बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू जंप अप, जंप अप करते हो तो क्या करते हो आप? ऊपर की तरफ चले जाते हो ना। और क्या है, व्हाट हैपेंस टू राइट मैंगोज ऑन ट्री? अब जो ट्रीज पे मैंगो राइप हो चुके हैं उनके साथ क्या होगा बताओ? वो नीचे गिर जाते हैं। हाँ, वो नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिर जाते। व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप टू द एयर? मैम वो ऊपर जाके वापस नीचे चला जाती है। नीचे आ जाएगी, पहले ऊपर जाएगी। मैम दिस इज ग्रेविटी। यस, हमने फोर्स लगाया उसको, हमने फोर्स लगाया उसको ऊपर फेंका, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एवरीथिंग दैट ग्रोज दैट गोज अप मस्ट कम डाउन।
जो भी चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी ना, क्यों आ रही है? यस फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, टू ग्रेविटी की वजह से। यस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। When you jump up, you come down. Fruits ripen and fall to the ground. When you throw a ball up, it eventually comes down. The reason for this is a gravity. कोई भी चीज़ gravity. हम जो चल पाते हैं, हम अर्थ पे इजीली चल पाते हैं, वो किसकी वजह से होता है बताओ? Gravity. वो gravity है. अब यहाँ पे देखिए, हमने अपने हाथों को रब किया, ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना, जब हमें सर्दी लगती है हम हाथों को रब करते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी फ्रिक्शन है। जब दो चीजों को आपस में रब किया जाता है तो हीट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, यस मैम, फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए, हमने बैट की ग्रिप उसको पकड़ के रखा, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन। रिज ऑन ए बॉटल कैप, यहाँ बॉटल के कैप पे यहाँ पे देखो रिज बनाए होते हैं, वो भी फ्रिक्शन। हम उसको जोर लगा के खोलते हैं ना। अब ये देखो, ट्रेड ऑन ए टायर, टायर जब जमीन पे चलते हैं, अगर वो उनके अंदर ये उनके अंदर ये लाइंस और ये होल्स होते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो। अब हमारे शूज होते हैं, एक तरह उनके शूज के जो सोल्स होते हैं उनपे भी आपने देखा ना, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं फ्रिक्शन करने के लिए, फ्रिक्शन के लिए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रफ पार्ट मतलब स्मूथ सर्फेस की, जो रफ सर्फेस होगा ना वहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। अब मैच बॉक्स में देखिए, ये जो रफ पार्ट है, हम इसको जैसे मैच स्टिक को उससे रब करते हैं, फ्रिक्शन हुई और हीट इंक्रीज हुई। फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन ए कार टायर एंड ऑन द रोड। देखो ये जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, आप देखते हो ना कभी एकदम से हमारे टायर ऐसे मतलब रब होते हैं एकदम से ग्राउंड के साथ, तो वो भी फ्रिक्शन है। When any object moves, it pushes against air. Air resistant pushes against a moving car and slows down. जब कोई भी object move करता है ना, it pushes against air ये push होता है, तो क्या होता है? Air resistance pushes against a moving car and slow it down. जब air resistance है, वो एक moving car को slow कर देता है, push against air. जब वो air के against push होता है, तो उसकी speed को वो कम कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, आप मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने शायद लर्न करे होंगे, मैं पूछती हूँ। नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक ए साउंड। राघव, राघव, आई एम आस्किंग टू राघव। मैम कैन आई स्पीक? वेट बेटा, वेट फॉर योर टर्न। राघव, इसमें क्यों टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक ए साउंड, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू कैन टेल। As their strings vibrate, मैम कोई सा नहीं आ सकता इसमें, सिर्फ वही जिनकी स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। मैम कैन आई स्पीक? मैम कैन आई टेल? मैम आई टेल? ओके यस रोहन, सितार एंड वीना। यस सितार, वीना, गिटार, जिनकी स्ट्रिंग होती है ना। Violin. Okay, next question. Why does an object move? Mam, can I? Mam. Why does an object move? Force make an object to move. Yes. Object क्यों move होगा? क्योंकि उसपे force apply हुई है. चाहे वो push हो, चाहे वो pull हो. When something is thrown up in the air, why does it fall back towards the ground? मैम कैन आई स्पीक? उत्कर्ष, ग्रेविटी हैंग्स ऑल बैक। लावण्या, टेल मी दिस आंसर। लावण्या, मैम क्या आंसर? व्हेन समथिंग इज थ्रोन अप इन द एयर, व्हाई डज इट फॉल बैक? मैम गीतांजलि ने आंसर ही बोल दिया क्वेश्चन का। लावण्या बताइए,
बताइए बेटा। आई डोंट नो मैम। ओके मैम प्लीज। उत्कर्ष यस मैम। ड्यू टू ग्रेविटी थिंग्स फॉल बैक टुवर्ड द ग्राउंड। यस ग्रेविटी। कितना इजी आंसर था अभी हमने करा तो था। मैम बहुत इजी है। मम्मी क्या रूबल व्हाट इज अ फोर्स। मैम फोर्स मींस पुश और इधर पुल। यस चल पुल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फोर थिंग्स दैट मेक साउंड इन द क्लासरूम। राघव मैम। राघव विल टेल दिस मैम। आई कैन मैम। आई कैन यस रिद्धि मामा। पापा गए। फोर्स पापा गए। पापा गए। मैम फोर्स थिंग दैट पुष्प साउंड आर मम्मी शुल बिल स्पून एंड पेल्टी बी लिविंग। ओके बेटा यू। ओके राघव अगेन टेल दिस आंसर। राघव आप भी बताइए। चेयर। माइक बंद कर। राघव चेयर। नूतन यू नो दिस आंसर बेटा। फोर थिंग दैट मेक साउंड इन द क्लास। मैम आई टेल। मैम कैन आई टेल। मैम आई टेल। मैम कैन आई टेल। बेटा डोंट टेक सो मच टाइम। मैम कैन आई स्पीक। यस कैन आई स्पीक। कैन आई स्पीक प्लीज। मैम कैन आई स्पीक। यस रोनी टेल दिस आंसर बेटा। मैम फोर थिंग्स दैट स्कूल्स साउंड आर प्लेट स्पून प्लेइंग गिटार बी। ओके और अगर यहां पे वैसे अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं आप क्लासरूम में बस में और होम में प्लेग्राउंड में। ठीक है वैसे मैंने क्लासरूम की पूछी थी सिर्फ। चलिए कोई बात नहीं। ओके मैम हार्ड पार्ट्स भी पूछ लो ना। अ फोर्स यस मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। मैम यस नो यस मैम ट्रू। विल स्टार्ट मूविंग बाय देमसेल्फ अपने आप मूव कर रहे हैं। मैम मूविंग हियर इज फॉर मैंने आपसे क्या पूछा। मैंने आपसे ट्रू फॉल्स नहीं पूछा। मैंने पूछा मूविंग हियर इज कॉल्ड मैम विंड। आप ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ जैसे बुक में ट्रू फॉल्स दिए हैं तो उसको ट्रू फॉल्स ही पढ़ गए। उसका ब्लैंक भी बन सकता है। आपको पूरा सेंटेंस रीड करना अच्छे से। ठीक है मूविंग हियर इज कॉल्ड। अब फोर्स इज अ मैं इसको ब्लैंक भी बना सकती हूँ। फोर्स इज अ पुश और ए पुल। पुश शॉप पुल। विंड एंड वाटर बोथ एक्सर्ट फोर्स टू स्टार्ट और स्टॉप मूविंग थिंग्स। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कौन से करेक्ट सेंटेंसेस है। वी यूज फोर्स व्हेन वी पुश अ प्रैम। फिर अपने माइंड से उसका आंसर दे। फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। Heat and light comes from the moon. Mom, wrong. And it comes from? Mom, time. Mom, sun. Yes. Mom, sun. Okay. Time over. This chapter is completed. Mom, is it time over?